टू बिकम अ पॉसिबल थिंकर अ फ्यू थिंग्स आई वेंट ऑन डूइंग उसमें से सबसे पहली चीज थी आई स्टार्टेड काउंटिंग ऑन माय एसेट्स. ये मैंने पहली चीज की. सेकेंड चीज मुझे लगता है कि जो मेरी लाइफ में हुई इन द लास्ट 23 इयर्स इज आई कॉन्शियसली वर्क्ड ऑन माय वोकैबुलरी और वो वोकैबुलरी मैंने बिल्ड करी वेयर आई से इट दैट द वोकैबुलरी इज वन ऑफ अ बिग थिंकर्स वोकैबुलरी. देयर स्मॉल देयर अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल वोकैबुलरी एंड बिग थिंकर्स वोकैबुलरी. आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट स्मॉल थिंकर्स वोकैबुलरी. वोकैबुलरी का मतलब क्या है? हमारे जो शब्द हम यूज करते हैं, हम जो वर्ड्स यूज करते हैं. कॉन्सेप्ट यह है कि हमारा माइंड जो है ये भरा हुआ है शब्दों से. सो यू कैन नॉट थिंक इन एनी अदर वे बट वर्ड्स. यू टेक अवे वर्ड्स फ्रॉम योर माइंड विल बी ब्लैंक. यू विल हैव नथिंग टू थिंक अबाउट बिकॉज यू हार्डली हैव एनी वर्ड्स विच डोंट हैव अ मीनिंग. ऑल वर्ड्स हैव अ मीनिंग. ऑल वर्ड्स हैव एन इमेज. हम लोग इमेजेस के रूप में सोचते हैं और वो इमेज हमें देते हैं शब्द. फॉर एग्जाम्पल आप अपने दोस्तों के साथ हो एंड मे बी सम फ्रेंड्स होते हो जो आपको बात कुछ भी बात कर सकते हैं और उसमें से एक फ्रेंड आपको बोलता है बंदर, यू आर अ मंकी. सडनली द मंकी जैसी वर्ड गया तो आपके मन में मंकी वाली इमेज आ जाती. कुछ लोग तो और भी भयंकर होते हैं, वो डाल पे लटकते हुए देखते हैं अपने आपको बंदर के माफी. कुछ लोग तो अपने आपको जंप करते हुए देख लेते हैं मंकी के माफी. सो दैट्स हाउ योर माइंड थिंक्स. इफ आई टेल यू द वर्ड कॉल मैंगो, द मोमेंट यू हियर द वर्ड मैंगो the image of a mango will come. Now, some of you will go into Alfonso mango, some of you will go into, you know, Dashari mango, you will might go into mango pickle, you might go into mango chutney, some will go into amras. Aap kahin bhi ja sakte ho, but you're thinking in form of images. Aap images ke bina nahin sochte ho. Sare shabd jo hai, aapke man mein image banate. That's how the whole psychology of the mind works. तो ये चीज को समझते हुए आपने बड़ा ध्यान रखना है कि आप कौन से शब्द बोल रहे हो बिकॉज वो शब्द जो है आपके मन में इमेज बना रहे हैं. और हमने एलएलपी के दिनों में बड़े ये बात हमने सुनी थी कि हमने कहा था कि सर इफ यू हैव अ सिचुएशन इन फ्रंट विच इज डिफिकल्ट तो आप बोल सकते हो कि प्रॉब्लम है यार. एंड द वर्ड प्रॉब्लम विल क्रिएट एन इमेज इन योर माइंड. और यू कैन से यार चैलेंज है सामने. एंड दैट वर्ड चैलेंज विल क्रिएट एन इमेज इन योर माइंड. अब कौन सी इमेज अच्छी है आपको वो सिचुएशन फेस कराने में ये आप डिसाइड करो. आप उसको प्रॉब्लम बोलते हो तो इमेज क्रिएट होती है, आप उसको चैलेंज बोलते हो तो इमेज क्रिएट होती है. सो विद द मोमेंट यू से चैलेंज है समवेयर इन इमेज इज वन वेयर आई कैन हैंडल इट, आई कैन फेस इट. द मोमेंट यू हैव प्रॉब्लम द इमेज इज क्रिएटेड कि ये मेरे से बड़ा है, ये मेरे से संभव नहीं है. सो आपको बड़ा ध्यान रखना है कि आप कौन सी वोकैबुलरी यूज कर रहे हो. All words create images in your mind. So, बड़े मुश्किल शब्द यूज करना कभी कभी कुछ लोग अंग्रेज बन के आ जाते हैं सामने एंड यू नो अंग्रेज बन के बड़े बड़े वर्ड यूज करते हैं बट इट डजंट मेक एनी सेंस बिकॉज दे आर नॉट क्रिएटिंग एन इमेज. तो आपने वो शब्द बोलने जिसका आपके मन में इमेज बन जाए. और जब इमेज नहीं बनती तो वो शब्दों का या इमेज गलत बनती है तो उन शब्दों का हम पे इम्पैक्ट नेगेटिवली होता है या सही ढंग से नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल इफ यू वुड से I venerate God. I venerate God, मजे का है. But if you make it, I worship God. The moment you say worship, the worship has an image. चाहे आप पूजा कर रहे हो, आप नतमस्तक हो रहे हैं, आप हाथ जोड़े खड़े हैं, तो suddenly you will have an image and it will make sense to you. But you say I venerate God. तो भाई ठीक है, तुम बड़े पढ़े लिखे हो, बड़ी भयंकर अंग्रेजी बोल रहे हो, ठीक है, लेकिन हमें तो कुछ लिंक ही नहीं हो रहा है. भगवान भी बोलेंगे मुझे कुछ लिंक नहीं हो रहा है, ये कहां से लाया तू वर्ड. तो आई फील ये शब्दों का बड़ा इंपॉर्टेंस है. तो यूज बिग थिंकर्स वोकैबुलरी. यू माइट हैव फेल्ड, समथिंग डिडंट वर्क आउट. वन इज टू से यार दिस थिंग फेल्ड और वन इज टू से आई थिंक वी कैन डू इट इन अ डिफरेंट वे. दोनों वही चीजें हैं बट आपके शब्दों से आपने वो एक सिचुएशन को चेंज कर दिया. सो सेकेंड थिंग विच आई पिक्ड अप इज हैव अ बिग थिंकर्स वोकैबुलरी. कुछ शब्द ऐसे हैं जो आप सोचो देखो जो आप सुनते इतने स्पीकर को सुनते हो, इतने बड़े बड़े लोगों को सुनते हो, कुछ शब्द पिकअप करो जो वो लोग बार बार बोलते हैं एंड यू माइट टेक इट लाइटली. यू माइट फील दैट इट्स समथिंग विच इज इनसिग्निफिकेंट बट यू थिंक इन टर्म्स ऑफ इमेजेस. दैट इज वॉट वी डू. तो जब हम इमेजेस के रूप में सोचते हैं तो क्यों ना वो इमेज दें मन को जिस इमेज से हम एक पॉसिबिलिटी थिंकर बने, एक पॉसिबिलिटी क्रिएटर बने.